चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 36 जिलों में तीन नाम ऐसा है जिसमें लगता है कोई मुसलमान का नाम है। एक है अहमदनगर, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा है उस्मानाबाद। लेकिन धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब भी इस हाउस के अंदर शुरुआत होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब की सरजमीन है, यहाँ पर उनके वसूलों पर काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये इस सरकार से कहना चाहता हूँ, यदि ये सरजमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की है और आप उनके वसूलों पर चल रहे हैं तो आपको धर्म की राजनीति से अलग होकर के राजधर्म करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है धर्म राजधर्म की को छोड़कर सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। अगर आपने सिर्फ एक नफरत पैदा करना, आपको जिलों को मजबूत करना चाहिए, न कि जिलों का नाम बदलना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 36 जिलों में तीन नाम ऐसा है जिसमें लगता है कोई मुसलमान का नाम है। एक है अहमदनगर, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा है उस्मानाबाद। लेकिन उसी पे जोर दिया जा रहा है। क्या उस नाम बदलने से महाराष्ट्र के जिलों की हालत सुधर जाएगी? क्या किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नफरत के पुजारी बनकर आप लोग इस देश के अंदर धर्म की राजनीति करके लोगों को परेशान करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ रहा था, जहां राजनीति धार्मिक मतलबों को शांत करे, जहां राजनीति धार्मिक मसलों को शांत करे वो देश महान होता है, और जहां राजनीति खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे समझो देश गलत लोगों के हाथ में है। ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था और ये हो रहा है आज यहां पर, रोजाना ही हो रहा है।